500 दो, 600 दो, 1000 दो, ऐसे बोलते हैं। मान रहे हमने पैसा तो लिया। हाँ माधुरी जी है जिनका एक वीडियो आया है जिसमें वो पैसा लेते दिखाई दे रही है, परिजन से आरोप है कि डिलीवरी के लिए पैसा लिया था। मैडम क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, जो वीडियो आया है किस चीज का पैसा लेते हैं आपने? सर डिलीवरी हुआ है, कई बार बहुत बार ही ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी खुशी से देते हैं कि मैम मिठाई खा लेना करके, तो ये वही हुआ था और उसका किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन अगर ये मिठाई के लिए होता तो पेशेंट रिकॉर्ड क्यों करता है या जिसने भी किया है, जिस प्रकार से व्यक्ति खड़ा है? और कितना, अच्छा कितना पैसा था वो? करीब शायद 1000 रुपये था। और मैं सिंगल नहीं थी, हम लोग ड्यूटी में सिंगल नहीं रहते, दो तीन लोग रहते हैं, तो सामने मैं बैठी थी। अच्छा उसका पैसे में क्या किया फिर आप लोगों ने? जो भी रहता है सर आपस में डिवाइड करते हैं। तो ये मान रहे हमने पैसा तो लिया था। हाँ ठीक है, तो ये खुद कबूल रहे हैं कि इन्होंने पैसा लिया है। तो ये देखिए सरकारी सिस्टम है जिसका आम गरीब आदमी शिकार होता है। ऑफिसेज में आपने देखा है सरकारी कार्यालयों में जमकर रिश्वतखोरी होती है, लेकिन अस्पताल जहां गरीब मजदूर इलाज कराने आता है वो भी इससे अछूता नहीं है। जहां पर निःशुल्क इलाज होना है, प्रसूता को दो टाइम नाश्ता, दो टाइम खाना मिलना है, फ्री में इलाज होना है, वहाँ भी उनसे पैसे लिया जा रहा है। और रही बात पौष्टिक खाने की जो इन्हें मिलना है, वो तो डेढ़ दो महीने से मिल रहा नहीं है। पता नहीं उस ठेके का पैसा कहाँ जा रहा है, किसे मिल रहा है, कौन कौन उसमें बंटवारा कर रहा है। डिलीवरी होते हैं सर यहाँ में फ्री में होते हैं करके हम लोग लाते हैं, लेकिन यहाँ डिलीवरी होने के बाद पैसा भी लिया जाता है ग्राहियों से। कितना पैसा मांगते हैं वो लोग? अपनी इच्छा से दे देते हैं 100-200, लेकिन और दो ऐसे कर करके ना 1000-1500 ले ही लेते हैं। पैसे लिए हैं ना, 500 दिए हैं, डिलीवरी करवाए हैं उसके लिए। एक सर वीडियो आया पैसा लेने का, उसके लिए परिजन यहाँ पर है, कई सारे अभी भी लोग हैं, 1000-1500 मांगा जाता है। अभी भी जो एडमिट है सर यहाँ पे, उनसे भी पैसा लिए। नहीं ठीक है, इसकी अगर पूरी जांच होगी, अगर ये सही पाया जाता है तो कार्रवाई तो होगी, ये तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखते हैं पूरी जांच में क्या निकल कर सामने आता है। क्या दीपा रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, ABC24 रायपुर।